चेनारी प्रखंड मुख्यालय पर पैक्स के लिए लगी भीड़। मलहीपुर में 7 सालों पर कराया जा रहा है चुनाव। किसानों में दिखा उत्साह का माहौल। प्रत्याशियों ने किया अपना अपना नामांकन। कुछ कारणवश मलहीपुर पैक्स में चुनाव नहीं हो पाया। मलहीपुर के किसान नाम नेशन के दौरान अपने अपने प्रत्याशियों को नामांकन कराने के लिए काफी उत्साहित दिखे। नामांकन करता रह रहा है। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए। श्रीराम सिंह। तो आप नामांकन लेकर क्या रहे हैं और भाई का चुनाव जो है साल साल से हो रहा है, तो सबसे पहले इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? सही मूल्य जो धान का नहीं मिल रहा है, जो पूर्व का किसान है वो पौने भाव पर किसानों का धान लेकर मैंने अपना मुनाफा के लिए बहुत जो 1868 रुपया जो सरकार निर्धारित किया है मूल्य क्रय मूल्य सरकारी, उस रेट में अभी हमें 2-3% किसान को धान नहीं दिया गया जो पूर्व के अध्यक्ष के। तो आप चुनाव अगर जीत जाते हैं तो किसानों के हित में कितना फायदा पहुंचाने का काम करेंगे? किसान के लिए खाद का व्यवस्था करना, मतलब खाद नहीं पड़ेगा खेत में, जो हमारा सप्रे का जो सरकारी जो आता है सिस्टम जो है उसको सुचारू रूप से चलाऊंगा, जो हर किसान के खेत में कोशिश करूंगा कि हर किसान के खेत में खाद पहुँचे, जो धान जो उपज होगा वो सरकारी रेट में कम से कम हर किसान के पास मतलब लाभ मिल सके। धान में खरीद मैंने हर किसान को जिस सरकार का जितना मैंने अथु है वो अनुसार मैं काम करूँगा। ये है श्री राम यादव मलहीपुर के पैक्स प्रत्याशी। इनका दावा है कि हम जीतने के बाद किसानों के खाद और जितने भी किसानों के ज़रूरतमंद सामान है सबको पहुंचाने का काम करूंगा।